हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, एक और नई वीडियो में सभी भाइयों का स्वागत है। और तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है कि आपको बाइक चलाने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और राइड पे जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और जब भी आप अपने ऑफिस ड्यूटी जाते हैं तो हमें सुबह सुबह किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी को चलाने से पहले। तो ये इस वीडियो का टॉपिक कर तो करते हैं वीडियो को शुरू। और जिन भाई ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो देख सकते हैं एक बार। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो आगे शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस किसी को भाई को भी इसका ऑनरशिप रिव्यू चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ एक बार रिव्यू #review कमेंट करके ज़रूर लिख दें, तो उसके ऊपर मैं भी जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा। फिर भाई सबसे पहले बात कर लें, तो सबसे पहले बात हम क्लच के ऊपर करेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चेक कर लेना है जो आपकी क्लच की केबल होती है वो कई बार यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो इससे होगा क्या, जब भी आप अपनी राइड वगैरह पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि बीच रास्ते में ये केबल टूट सकती है और जो आपकी राइड है वो मतलब उसमें अड़चन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक बार चेक कर लेनी है। और नंबर दो, आपको एक बार यहाँ से भी चेक कर लेनी है जो आपकी क्लच केबल है बिल्कुल ठीक है, उसकी जो वायर वगैरह वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। सो बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट सबसे पहले मेजर पॉइंट है वो है आपका टायर का प्रेशर। आपको हमेशा राइड पे जाने से पहले या बाइक चलाने से पहले एक बार आपको जो आपकी बाइक के टायर है उनको एक बार चेक करना है, जो उनका अंदर की जो उसके अंदर हवा है उनका पीस सही आपको हमेशा चेक कर लेना है। अगर आपको हवा कम लगती है तो आप जो एक पंप आता है 200-300 रुपये का उसे भी हवा टॉप अप कर सकते हैं अपने जो पंचर वाला है उस तक पहुंचने के लिए। और वहीं आपको जो पिछला टायर है उसको आपको थोड़ा सा दबा के उसका जो टायर की हवा है एक बार उसको भी चेक कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप बाइक चलाएं और रास्ते में कहीं आपकी हवा आपके टायर की हवा निकल जाए। जो तीसरे नंबर पे आपको बात का ध्यान रखना है वो है आपका जो इंजन ऑयल का लेवल है। आपको इस साइड आपको इंजन ऑयल का लेवल देखने को मिल जाएगा, तो इंजन ऑयल आपको इसलिए चेक करना है कि ऐसा ना हो कि आपका इंजन ऑयल कम हो और जैसे आप अपने इंजन को चलाएंगे तो इंजन आपका सीज ना हो जाए। तो जैसे भाइयों को बताओगे जो स्कूटी है उसमें भी सेम ऐसा ही केस हुआ था। स्कूटी चलाने से पहले मैंने उसका इंजन ऑयल नहीं देखा था और 2-3 किलोमीटर जाने के बाद इंजन उसका सीज हो गया था। इसका ध्यान आपको रखना है वो है आपका जो ब्रेक होते हैं, जैसे डिस्क ब्रेक होते हैं तो उसके अंदर एक फ्लूइड आता है, ठीक है, .3 उसमें डलता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिनिमम का मार्क नज़र आएगा तो मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम से ऊपर होगा तो चलेगा। और इसका प्रेशर भी आपको एक बार चेक कर लेना है, और इसके जो डिस्क पैड्स होते हैं एक बार उनकी कंडीशन भी आपको चेक कर लेनी है, ताकि जब लंबे रूट पे आप जाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत वगैरह ना आए। अगला पॉइंट है वो है आपका स्पार्क प्लग। तो कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे हम लंबी राइड प्लान करते हैं तो जो हमारे प्लग वगैरह होते हैं, अगर आपकी बाइक 24-25 हज़ार किलोमीटर चल पड़ी है तो एक बार आप इन प्लगों को चेंज ही करवा लें, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 110 या 112 रुपए का आपको पर पीस मिल जाएगा। तो जिनकी बाइक अभी कम चली है जैसे 10-15 हज़ार चली है तो उनको एक बार खोल के क्लीन हमेशा जरूर कर लें, ताकि कोई भी शॉर्ट जो आपका प्लग है वो कार्बन की वजह से शॉर्ट ना हो जाए। काफ़ी सारे भाई मेरे नाइट पे राइड करते हैं, ठीक है, नाइट आउट वगैरह, तो जैसे उनको मैं एक बात बता दूं, जो आपका हेडलैम्प है उसको हमेशा चेक कर लें दिन में कि वो सही से काम वगैरह कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि रात को आपको दिक्कत आ जाए। और रात को मैकेनिक वगैरह भी काफ़ी कम चांस होते हैं मिलने के, तो एक बार जो आपकी हेडलाइट है उसको हमेशा चेक कर लें। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।